मैं कहाँ चला गया, मेरा पैन खो गया और मैंने फोन चार्ज में लगा दिया था लेकिन स्विच ऑफ ही रहा, स्विच ऑन नहीं कर पाया। अब मुझे ऑफिस जाना और मेरा फोन केवल 30-20 पर ही पड़ा हुआ है। अब क्या करें, आदमी को अगर बाजार में गया और बाजार में कोई परिचित आदमी नमस्ते नहीं करता तो टेंशन हो जाता, देखो पास से निकल गया मुझे नमस्ते नहीं किया। और अगर कोई अपरिचित आदमी नमस्ते कर ले तो भी टेंशन होता है, फोन तो भी टेंशन हो जाता। अगर आप बाजार में सब्जी लेने गए और आपको लेट पहुंचे और सब्जी में पिलपिले टमाटर खराब से बैगन अगर भाजी सड़ी सड़ाई मिली तो फिर टेंशन हो जाता है, और मैडम कहेंगे लो सब्जी लाकर नहीं रखी और ऐसी सब्जी लाए, टेंशन हो जाता है। छोटी छोटी बातों का टेंशन, ऑफिस में थोड़ा सा किसी ने कुछ कह दिया तो टेंशन। और ये माता बहन लड़कियां अभी तो ये शांति कुंज में आई है इसलिए पीली पीली और जरा सीधी सादी दिख रही है, लेकिन जब ये किसी मैरिज में जाए तब देखो इनका ठसका जाती है और क्या पहन के जाऊं, कौन सा ये हार पहनूं, कौन सा क्या पहनूं, और अगर दूसरी का मेकअप अच्छा है तो टेंशन में लग गई। तुम किस ब्यूटी पार्लर में गई, मेरा तो 3,000 ले लिया और मेरा तो तुमसे हल्का, क्या बताऊं बहनों। और अगर ये डायमंड की अंगूठी पहन के जाए और कोई नहीं देख रहा हो मैरिज में तो टेंशन हो जाता है, यार इतना बढ़िया पहन जाए कोई तो ऐसी खड़ी हो गई है। कहने का मतलब ये है कि यार थोड़ी थोड़ी बातों का टेंशन आदमी के अंदर हो जाता है और ये टेंशन मेडिटेशन से दूर होता है। और मेडिटेशन का सबसे बड़ा महामंत्र है सूर्य का ध्यान करते हुए गायत्री मंत्र का जप करना, और गायत्री से ही हमारे टेंशन हमारे तनाव दूर होते हैं। इसलिए बंधु गायत्री जरूरी है। और गायत्री क्यों, आज दुर्बुद्धि बहुत ज्यादा, सदबुद्धि आदमी के अंदर है नहीं। चाहे जितना समझा, तेरा सगा भाई है ना, हाँ हाँ सगा भाई है तो यार उसके घर के सामने से क्यों नाली निकाल रहा है, इधर से निकाल ले, नहीं नाली तो यहीं से निकाल। अरे तो भैया तेरा सगा भाई है ना, उसको परेशानी होती है, उसके छोटे छोटे बच्चे नाली लान के जा नहीं पाते, उसके घर में पानी भरता है, निकाल ले। नहीं तेरा सगा भाई ना है तो सगा भाई, तो फिर तू नाली उधर, नहीं नाली तो यहीं से जाएगी। आदमी इतना बेकार है कि मैं क्या, आदमी ने आज कबाड़ा कर रखा है वो इतना अधिक दुर्बुद्धि युक्त है। और एक आध प्रकार की दुर्बुद्धि हो तो कहूं, आज दुर्बुद्धियों का ढेर लगा है, ऐसा ढेर लगा है कि मैं किसकी बात करूं, आपसे धर्माचार्यों की बात करूं, धर्माचार्य बड़े बड़े तो मंच बनवाते हैं स्टेज, ये नहीं कि ऐसी टूटी कुर्सी पर ही बैठ के प्रवचन कर दे, ज्ञानी तो बताना है, नहीं अकेले उनकी मंच रहती है 30-30 लाख के है सामने, क्या कर रहे तुम अच्छा तो क्या रिवॉल्वर चला रहे थे क्या? तो कहने का मतलब यह है कि आदमी, मैं डर गया मेरे को ये क्या हुआ, और जो है आज आदमी इसी प्रकार से दुर्बुद्धि युक्त है। और आज धर्माचार्यों की बात करूं आपसे, धर्माचार्यों ने धर्म को दुकान और व्यवसाय के रूप में प्रयुक्त कर लिया। जिन धर्माचार्यों को ज्ञान और विज्ञान की बात, गौ और गीता की बात, गायत्री और गुरु की बात, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के आदर्श, भगवान श्री कृष्ण की धर्म नीति को जन जन तक पहुंचाना चाहिए था, वो इतना बड़ा सम्राट बन करके जब बड़ी बड़ी गोल गोल मंच बना करके बैठता है, केवल उनकी स्टेज 30-30 लाख की होती है और सामियाना तो 1-1 करोड़ का होता है, और भटका इतने टोने टोट के बताते हैं धर्माचार्य। एक प्रदीप मित्रा नाम का आदमी है, वो क्या करता है कि ऐसे टोना टोट का बताएगा, ऐसा करो तो लिखो तो परीक्षा नहीं देगा तो भी पास हो जाएगा।
और हमारा मूल मंत्र था ओम नमः शिवाय, उसको शिवम नमस्तुभ्यम जाने कौन कौन से मंत्र गड़ गड़ करके हमारे लोगों को भटका रहे। ऐसे एक दो नहीं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, मैं मन से नाम भी नहीं, लेकिन इन लोगों ने वो कहने लगा एक बात कथावाचक कि जो है ये गायत्री परिवार वाले कहते हैं हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा, तो कब सुधरेगा तारीख तो बताओ, मन से बोल रहा था वो, तारीख तो बताओ कब सुधरेगा, तुम्हारी फूटी है आंखें, तुमको दिख नहीं रहा, ये युवा शक्ति पीले कपड़े पहने बैठी है, ये लाखों मंडन संस्कार हो गए, लाखों नामकरण होते हैं प्रतिदिन, लाखों आदर्श विवाह होते हैं शाम, लाखों आदमी यज्ञ कर रहे हैं, अगर नहीं बदले होते तो मेरी कुर्ता धोती आज मिट गई होती समाज के अंदर से, देश के अंदर से, तिलक लगाने में लोग शर्म करते, चोटी रखने में शर्म करते, तुमको दिख नहीं रहा कि युग बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है, युग किस आधार पर बदल रहा है, इनमें से एक भी भाई बहन अंगूठा छाप नहीं है, ये सब वेल एजुकेटेड है, पोस्ट ग्रेजुएट है, ये साइंस के विद्यार्थी, कॉमर्स के विद्यार्थी है, ये बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, और तुम कहते हो कब बदलेगा युग बदलेगा, तारीख बताओ, तुम्हारी खोपड़ी तारीख बताओ, मतलब एक बाबा जी सोने की तैयारी कर रहे थे, चार पांच पंडित आ गए और एक पंडित का है बाबा जी ये क्या करते हो, पूरब की तरफ पैर करके सोते हो, पूरब तरफ तो जगन्नाथपुरी है, जगन्नाथ भगवान नाराज हो जाएंगे, बाबा जी उठे और पश्चिम की तरफ पैर करके, तो एक बार पंडित जी आ गए, अरे कृष्ण कृष्ण ये क्या करते हो, पश्चिम तरफ पैर करके सोते हो, पश्चिम तरफ तो द्वारकापुरी है, द्वारकाधीश भगवान नाराज हो जाएंगे, अब बाबा जी उठो उत्तर की तरफ पैर करके सो गए, तो और एक और आ गए, नारायण 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 उत्तर की तरफ पैर करके सोते हो, उत्तर तरफ तो बद्रीनाथ धाम है, बद्रीनारायण भगवान नाराज हो जाएंगे, अब बाबा जी उठे और दक्षिण की तरफ पैर करके सो गए, तो एक और आ गए, ओम नमः शिवाय दक्षिण की तरफ पैर करके सोते हो, दक्षिण तरफ तो रामेश्वरम धाम है, भगवान शंकर नाराज हो जाएंगे, अब बाबा जी ने सोचा यार पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण कहीं पैर करके नहीं सो सकता, क्या करूं, तो वो दीवार से टिककर सिर नीचा करके पैर ऊंचा करके शीशासन लगा करके सो गए, तो एक बार पंडित जी आ गए, हरे 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 ये क्या करते हो, ऊपर पैर करके सोते हो, ऊपर तो परम धाम है, भगवान विष्णु नाराज हो जाएंगे, बाबा जी उठे उन्होंने चारों पांचों पंडितों में एक एक चांटा लगाया, ऊपर हम परंपरा की तुलना में विवेक को महत्व देंगे, जीर्ण वस्तुओं की ममता से घर ही धूड़ा होगा, अरे आज का पुष्प हार भी कल का कूड़ा होगा, आज आदमी पता नहीं लकीर का फकीर बना हुआ है, हम तो ऐसा ही करेंगे जैसे पहले करते थे, क्या करते थे पहले बैलगाड़ी से सफर करते थे, और आप लोग अगर बैलगाड़ी से हरिद्वार आए होते तो बैल भी मर गए होते और भैया भी मर गए, तो रेलगाड़ी का जमाना चल रहा है, बैलगाड़ी की जगह रेलगाड़ी से आओ ना भाई, कौन मना कर रहा है, नहीं साहब पहले तो तीर्थ में जाते थे कुटियों में रहते थे, अब कुटियों में लोगों के फ्लैट लेट थी तो आदत पड़ी हुई है, कुटिया बनाते तो आप में से आधे तो भगी जाते, कोई होटल वगैरह खरीदते, तो आश्रम आश्रम का इस तरह से बना तो जिससे लोगों को सुविधा रहे, तो आज पता नहीं आदमी क्या कर, नहीं साहब हम छोटे से थे तो इतनी सी चड्डी पहनते थे, अब आप बड़े हो गए नहीं नहीं जब हम छोटे से थे तो मम्मी की गोद में लेटकर दूध की बोतल से दूध पीते थे, अब 40 साल हो गए तब भी दूध की बोतल से दूध पीते, अरे आप बोतल से पियो गिलास से पियो, लेकिन आदमी लकीर का फकीर बना हुआ, और ये धर्माचार्य जितना भटका रहे हैं आजकल लोगों को, करोड़ों रुपया और गौशाला